नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला की हमारी कल की कहानी के दूसरे और आखिरी भाग में आज आप सबका स्वागत है। सुदर्शनी मंटू वर्सेस सतीश सिन्हा केस में अदालत ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थितिक प्रमाण के तौर पर मिले सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सतीश सिन्हा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। सर, सतीश सिन्हा जैसे क्रिमिनल का इस तरह से बरी हो जाना, इतने घिनौने क्राइम को बेनिफिट ऑफ डाउट के नाम पे बरी कर देना, क्या प्रोसिक्यूशन इतना कमजोर रहा? आपको लगता है ये फैसला सही है? अब तक आपने देखा कि एक तारीखी कोर्ट के फैसले में सतीश सिन्हा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। सुदर्शनी के माता पिता के लिए यह खबर बिजली बनकर टूटती है। मैं अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया। सुदर्शनी बेटा, मैं हार गया। तेज हवाओं में उड़ूंगी, आसमान को छूंगी, कि मुझे कोई रोके ना। लॉ कॉलेज में उसकी मुलाकात सतीश सिन्हा से होती है। सतीश के दिल में सुदर्शनी के लिए पनपने लगता है एक तरफा प्यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए सिर्फ हाथ पकड़ा हूँ। Stop this nonsense. मामला लॉ कॉलेज में एक दूसरे पर शिकायत दर्ज करने से लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने तक पहुंच जाता है। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं अपना एक कांस्टेबल आपकी सिक्योरिटी के लिए लगा देता हूँ। तुम? मैं तंग आ चुका हूँ यार इन सब चीजों से, इसलिए प्लीज बैठ के मेरे साथ दो मिनट बात कर लो। कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, दुनिया में कोई नहीं करता। निकलो यहाँ से, निकलो सतीश, गेट खोल। दोनों के बीच पनपता टकराव ले आता है एक इंतहाई संगीन मोड़ और सुदर्शनी मंटू का कत्ल हो जाता है। अब आगे गाड़ी तो मैडम की यहीं पे है, कहाँ गई है? मैडम, 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 मैडम। हेलो, ग्रेटर कलर फ्रस्ट्रेशन, मैं कॉन्स्टेबल नागेंद्र पॉल बात कर रहा हूँ। क्या भीड़ काहे की इतनी? क्या हुआ है? क्या पता? अरे कौन है आप लोग, किधर जा रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरी बेटी रहती है यहाँ पर। हमारा घर है। हाँ, गुड़िया, बच्चा मेरा है। ये उसी का काम है, ये उसी का काम है। वो सतीश सिन्हा ने इसको मार डाला। सर आप बताइए तो सही, मुझे लेके जा क्यों रहे? सर आप मेरी बात सुनिए, मैंने किया क्या है बताइए तो सही कम से कम। सर आप ऐसे नहीं ले जा सकते मुझे, प्लीज आप बात समझिए। सर आप किसी से भी पूछ लो मैं कहाँ था। कहाँ थे तुम, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। सर मैं कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रहा था, अब मैं जाऊँ सर। ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी, कुर्सी से लगी या बेंच से? सर ये पुरानी चोट है, बुलेट लेके गिर गया था। इनको हॉस्पिटल लेके जाओ,
और इनकी नई पुरानी सारी चोटों का मेडिकल टेस्ट कराओ, और हाँ, इनके आसपास मोहल्ले में पूछताछ करो। सर एक मिनट, इसके लिए मेडिकल की क्या जरूरत है सर? अरे आप तो लोग की पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको तो पता होगा कि फॉर्मेलिटी के लिए सब करना पड़ेगा। हाँ लेकिन सर इसके लिए मेडिकल की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कितनी है वो हमको पता है, आप उठिए। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बुलेट लेके गिर गया था, मामूली सी चोट है सर, मेडिकल की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। आ जाइए चलिए। एक मिनट सर, मेडिकल की क्या जरूरत है सर? आ जाइए सर। 5 बजे करीब मैंने सतीश को घर के अंदर जाते हुए देखा था, और लगभग 5:30 के करीब वो घर से बाहर निकला और बाइक पर बैठ के निकल गया। और हाँ सर एक बात और, उसका हेलमेट आगे से टूटा हुआ था। सर सतीश सिन्हा की मेडिकल रिपोर्ट, सर रिपोर्ट के हिसाब से माइनर फ्रैक्चर है लेकिन फ्रेश है। इस केस में दिल्ली पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच की, लेकिन सतीश सिन्हा के पिता पुलिस में वरिष्ठ ओहदे पर थे, इसलिए घटना के कुछ ही दिनों में इस केस की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी गई। ये सुदर्शनी मंटो की केस फाइल है, जैसा कि कहा गया कि आगे की इन्वेस्टिगेशन आप लोग करेंगे, मैंने सारे एविडेंसेस भी जमा करा दिए हैं। दिल्ली पुलिस की तहकीकात के आधार पर सीबीआई ने सतीश सिन्हा के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की, लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले ने ना सिर्फ सीबीआई को बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया था। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो ना करने पर यह अदालत मानती है कि मुलजिम सतीश सिन्हा को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये अदालत सतीश सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। लोगों की आवाज उठाने के बाद सन 2000 में सीबीआई ने लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील दायर की और सतीश सिन्हा के लिए मौत की सजा की मांग की। पर जैसे हर कोई इस केस को भूल गया था, सन 2000 से 2006 तक कोई सबूत नहीं पेश किए गए, कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेकिन 2006 में कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों के छूट जाने के बाद हमारी न्यायिक व्यवस्था एक बार फिर से कटघरे में खड़ी थी, लोगों की आवाज फिर बुलंद हो रही थी। ये एक नया भारत था जो बड़ी आसानी से चीजों को नहीं छोड़ सकता था, पीछे नहीं हट सकता था, खामोश नहीं रह सकता था। इस समय तक सतीश ने विवाह कर लिया था, वो अपनी कानूनी प्रैक्टिस भी करने लगा था और उसका जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन इस पूरे मुकदमे के दौरान सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या इस बार सुदर्शनी को इंसाफ मिलेगा, और अगर हाँ तो कैसे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है, सेशन कोर्ट और अब हाई कोर्ट ओपन हो रहा है। इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, और याद रखना कि ये हमारे लिए आखिरी चांस है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो क्राइम सीन पे सतीश सिन्हा को देखा गया था, और जिन दो लोगों ने सुदर्शनी के घर के बाहर सतीश को देखा था उनके बयान के अनुसार टाइमलाइन इज परफेक्ट इन सिंक। तकरीबन 5:00 मैंने सतीश सिन्हा को अपनी काली बुलेट से घर के बाहर आते हुए देखा था। उसके बाद ये उतर के घर के अंदर चले गए और इनके हाथ में एक काले रंग का हेलमेट भी था। 5:30 के करीब मैंने इनको घर से बाहर निकलते हुए देखा। योर ऑनर, किसी को आते जाते देख लेने से कोई कसूरवार नहीं बन जाता, क्या इनमें से किसी ने भी मौके वारदात पे मेरे मौकिल को देखा? बाहर तो बहुत से लोग घूमते रहते हैं, क्या इस बिना पर उन्हें कसूरवार ठहराया जाए, उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाए? ये दामोदर पंडित जी का बयान,
जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि उन्होंने 5 बजे सतीश को घर में जाते हुए देखा था। और ये है श्री पवन शर्मा का बयान, जिसके अनुसार उन्होंने शाम को 5:30 बजे सतीश सिन्हा को उसके घर के बाहर आते हुए देखा है। घर के आसपास घूमने से किसी को मर्डर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि मेरे क्लाइंट सतीश कुमार सिन्हा उस दिन सुदर्शनी मंटो से मिलने उसके घर गए, लेकिन उसके बाद वो अपनी कॉलेज गए, उन्होंने लेक्चर अटेंड किया। योर ऑनर, यह है वो लिस्ट उन गवाहों की जो इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार। यस सर, सतीश उस दिन हमारे साथ ही लेक्चर अटेंड कर रहा था। योर ऑनर, जब यह केस सीबीआई को सौंपा गया है तो इस केस की पूरी तहकीकात हमने एक नए सिरे से की, अपनी पूरी टीम के साथ में हर सबूत को टटोला। मौका वारदात पे जितने भी सबूत जमा किए गए थे उन सारे सबूतों की जांच पड़ताल फिर से की। आई विटनेस दामोदर पंडित और पवन सिंह, इन दोनों से पर्सनली जाके इन दोनों का बयान लिया। योर ऑनर, अपने शक को यकीन में बदलने के लिए सुदर्शनी मांटो के घर से सतीश सिन्हा के क्लासेस तक का सफर मैंने बाइक पे तय किया। तकरीबन 35 मिनट लग गए। इस बात से यह पुष्टि होती योर ऑनर कि सतीश सिन्हा अपने कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हुए देखे तो गए, लेकिन ये वहां दरअसल लेट पहुंचे और शुरू के लेक्चर्स भी इन्होंने मिस किए। सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार सतीश सिन्हा लेक्चर में 10 मिनट लेट पहुंचे थे। उन्होंने सुदर्शनी के घर से कॉलेज तक की दूरी करीब 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से तय की थी, और जिसके लिए उन्हें 35 मिनट का समय लगा था, और ये सतीश सिन्हा के टाइमलाइन से परफेक्टली मैच होता है। योर ऑनर, सतीश की इंजरी 15 जनवरी की है और यह रही उसकी रिपोर्ट। सर, ये पुरानी चोट है, बुलेट लेके गिर गया था। सीबीआई के पास क्या प्रूफ है कि यह घटना 24 घंटे के अंदर हुई है? जज साहब, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की हाथों की चोट ताजा थी। योर ऑनर, इनके हाथ के एक्सरे को जब बारीकी से चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि उनकी जो एक्सरे रिपोर्ट है वो डिफरेंट एंगल से दी गई है। और योर ऑनर, ये इसलिए किया गया ताकि घाव के ऊपर जो कैलस फॉर्म होता है उसको अवॉइड किया जाए, वो ना दिखे। और इस बात की पुष्टि हमने खुद डॉक्टर साहब से उनके स्टेटमेंट से करवा ली है। सतीश सिन्हा के मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से सतीश सिन्हा के हाथ का फ्रैक्चर बिल्कुल फ्रेश था, मतलब 24 घंटे के अंदर ये फ्रैक्चर हुआ था। ये दोनों रिपोर्ट्स एक सीबीआई ने पेश की है और दूसरी डिफेंस ने। दोनों रिपोर्ट्स में एक्सरे का एंगल अलग अलग है, जिससे ये साबित नहीं होता कि जनवरी का एक्सरे सतीश सिन्हा का ही है। और डॉक्टर की डिटेल रिपोर्ट के अनुसार ये चोट घटना के आसपास की ही थी। सुदर्शनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ जाहिर है कि उसके चेहरे पर किसी चीज से बार बार वार किया गया था, और जिस हेलमेट के वाइजर के टुकड़े सुदर्शनी के डेड बॉडी के पास मिले थे वो उसी हेलमेट के हैं जो सतीश सिन्हा के घर में से बरामद हुए। सर, हेलमेट का वाइजर टूटा हुआ था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या दो हेलमेट एक जैसे नहीं हो सकते? एक ही रंग के, एक ही ब्रांड के दो हेलमेट एक जैसे नहीं हो सकते? क्या यह जरूरी है कि सीबीआई को जो हेलमेट के टुकड़े मिले हैं वो मेरे मौकिल के हैं? क्या यह इत्तेफाक नहीं हो सकता योर ऑनर? वैसे भी मेरे मौकिल का वारदात से 14 दिन पहले मोटरबाइक पर एक्सीडेंट हुआ था और इनका हेलमेट टूट गया था। योर ऑनर, हमने तहकीकात की और यह बात साबित हो गई कि सतीश सिन्हा की बाइक का एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। सुदर्शनी के घर आते वक्त सतीश के हाथ में हेलमेट का होना, घर से वापस जाते समय सतीश के हाथ में हेलमेट का होना, सुदर्शनी के लाश के पास हेलमेट के वाइजर का टुकड़ों का पाना, और उसी टूटे हुए हेलमेट का सतीश सिन्हा के घर से बरामद होना, इन तमाम वाक्या को सच साबित करता है। क्योंकि जो हेलमेट के वाइजर के टुकड़े बच गए थे उनसे टूटे हुए टुकड़े मैच कर लिए गए थे। ब्लड सैंपल की बात जो प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं, इनके अनुसार मेरे क्लाइंट का 20 ml ब्लड लिया गया था।
और सर यह है उसकी रिपोर्ट। सर हैदराबाद लैब के मुताबिक उनके पास 12 ml ब्लड पहुंचा, जबकि मेरे क्लाइंट का 20 ml ब्लड लिया गया था। तो फिर 8 ml ब्लड कहां गया? योर ऑनर, इट्स क्लियर केस ऑफ टेम्परिंग विद ब्लड सैंपल्स। वैसे दिल्ली से हैदराबाद जाते जाते काफी चीजें बदली जा सकती। योर ऑनर, हमारी ऑफिशियल टीम डीएनए सैंपल लेकर खुद हैदराबाद गई थी। मैंने पर्सनली वो सैंपल डॉक्टर रेड्डी को हैंड ओवर किया। सैंपल की क्वांटिटी 12 ml थी योर ऑनर, लेकिन उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं की गई थी, कोई टैम्परिंग नहीं की गई थी। और डीएनए टेस्ट के लिए योर ऑनर जो प्रोसीजर होता है वो प्रॉपर फॉलो किया गया था। सैंपल चाहे 20 ml हो या 12 ml, मगर वो सतीश के डीएनए से मैच हुआ है और डीएनए टेस्ट को गलत माना नहीं जा सकता। सीमेंट ट्रेसेस फाउंड एट द क्राइम सीन आर ऑफ सतीश सिन्हा, जो कि हैदराबाद लैब ने कंफर्म किया है। योर ऑनर, एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम सभी मिस कर रहे हैं कि हाइमन वॉज नॉट रप्चर्ड, मतलब रेप हुआ ही नहीं। और अगर मेरे क्लाइंट सतीश सिन्हा ने रेप नहीं किया, इसका मतलब यह है कि उसने मर्डर भी नहीं किया। यह बात रिपोर्ट में आ चुकी योर ऑनर। नाउ इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और जो फोर्स अप्लाई किया जाता है ये उस पे भी डिपेंड करता है। सीमेंट के ट्रेसेस अंडरगार्मेंट में मौजूद थे और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट्स में हो चुकी है। रेप वॉज कमिटेड और इस बात की गवाही सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दे रहे हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, किसी ने रेप के बाद सुदर्शनी को कपड़े पहनाने की कोशिश भी की थी, और यही रीजन है कि इतनी भारी सर्दी में भी सुदर्शनी का स्वेटर बेड पर पड़ा हुआ है। और सुदर्शनी के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से उसके चेस्ट और बॉडी पे जगह जगह ब्रूटली काटने के निशान पाए गए। इट्स अ क्लियर केस ऑफ रेप। सीमेन का डीएनए सतीश से मैच होने के कारण यह प्रूव होता है कि रेप और मर्डर सतीश ने ही किया है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो न करने पर यह अदालत मानती है कि मुलजिम सतीश सिन्हा को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए यह अदालत सतीश सिन्हा को बाइज्जत बरी करती है। सारे गवाहों और बयानात को मद्देनजर ये अदालत सतीश सिन्हा को सुदर्शनी मंटो का बलात्कार करने और हत्या करने का दोषी मानती है। और इंडियन पैनल कोड धारा 302 और 376 के तहत सतीश सिन्हा को फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। आसमान को छूंगी कि मुझे कोई रोके ना, कि मुझे कोई टोके ना। आप मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के देना, ताकि आपकी बेटी सुदर्शनी कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिला सके, और हम लोग रात को फिर सेलिब्रेट करेंगे। और फिर क्या कहेंगे, इनजस्टिस इन एनी वे इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। क्यों पापा?
बेटा आज तुझे इंसाफ मिल गया, पर उसे सेलिब्रेट करने के लिए तू आज हमारे साथ नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सतीश सिन्हा को इस केस में बाइज्जत बरी करने का निचली अदालत का फैसला सरासर गलत था। इस फैसले ने इंसाफ का खून किया था और न्यायिक सच्चाई को कुचला गया था। विशेषकर डीएनए टेस्टिंग में कोई खामी नहीं थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और फोरेंसिक पक्के थे। बहरहाल बेंच ने लोअर कोर्ट की खामियों पर गौर करते हुए ये माना कि पुलिस ने सतीश के खिलाफ सुदर्शनी की शिकायतों को नजरअंदाज किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, और चूंकि सतीश के पिता पुलिस महकमे में एक ऊंचे ओहदे पर थे, उसके साथ नरमी बरती गई। फैसले में कहा गया कि छोटे अफसर बड़े अफसरों के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से उन पर एक्शन लेने से कतराते हैं। जजेस की बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले से यह महसूस किया कि दिल्ली पुलिस की कार्य पद्धति इस बात को उजागर करती है कि कानून की गाज कानून के रखवालों और उनके परिवार वालों पर नहीं गिर सकती। हाईकोर्ट बेंच ने यह भी कहा कि पुलिस के एक आला अफसर के बेटे होने के नाते और खुद वकील होने के नाते उनसे इस तरह के जुर्म की हरगिज उम्मीद नहीं थी, जहां उन्होंने सुदर्शनी मंटू को लगातार 2 सालों तक परेशान किया। पुलिस के बार बार चेतावनी देने पर सतीश ने माफीनामा तो लिख दिया, लेकिन इतना भयावह जुर्म करने से बाज नहीं आया। उसके इस जुर्म ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए कि ऐसे लोगों से कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। 2007 में सतीश सिन्हा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की और उच्चतम न्यायालय ने 2010 में सतीश की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सजा सुनाए जाने के बाद सतीश सिन्हा कई बार परोल पर जेल से बाहर आ चुका है। हमने ये केस आपको इसलिए दिखाया क्योंकि हम में से कोई भी सुदर्शनी या उसके परिवार की जगह हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि जुर्म थम जाए, तहकीकात तेज हो, न्याय सटीक हो, तो हम सबको एक योग्य और कुशल भूमिका निभानी होगी। और आइए अब रुख करते हैं क्राइम पेट्रोल डायल 100 द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के दूसरे केस की तरफ, जो एक औरत की कोमल भावुक और ममतामयी छवि के बिल्कुल विपरीत अमानवीय और निर्दयी होने की एक दुर्लभ घटना का असाधारण उदाहरण बनकर सामने आता है। इस श्रृंखला में हम आपको ऐसे केसेस दिखाने जा रहे हैं जो इंसान के और इंसानियत के आदर्शों के विपरीत हैं। ऐसा लगता है जैसे बौद्धिक, सामाजिक और तकनीकी विकास के साथ अपराध ने भी नए आयाम तय किए हैं। आए दिन इंसान इन अनगिनत अपराधों का शिकार बन रहा है, यहां तक कि कुछ केसेस तो न्याय प्रक्रिया को भी चुनौती देते हैं और इंसान के दिलो दिमाग पर डर की गहरी छाप छोड़ देते हैं। कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत, ये किसी आम गुनाह की सजा नहीं है। अदालत ये सजा बेहद संगीन और असाधारण अपराधों में ही देती है, और किसी महिला को सजाए मौत या फांसी की सजा होना असाधारण से भी असाधारण माना जाता है। आजाद भारत के कानून के इतिहास में रतन बाई वो पहली महिला थी जिसे न्यायालय ने 1955 में मौत की सजा सुनाई थी, और तब से लेकर अब तक कुल 13 महिलाओं को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, और इनमें से ही 2 बहनें हैं, सपना और रंजना भोईर, जो जेल में अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों की उल्टी गिनती गिन रही हैं। रंजना और सपना भोईर 2 बहनें जिन्हें अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी मां रुक्मणी भी इस सजा में भागीदार होती अगर तहकीकात के दौरान ही उसकी मौत ना हो जाती। सवाल यह है कि इतनी साधारण सी दिखने वाली ममता की प्रतिमूर्ति, अपने परिवार और बच्चों पर जान छिड़कती ये महिलाएं किसी जघन्य अपराध को अंजाम दे सकती थी, और वो भी ऐसा अपराध जिसके लिए इन्हें फांसी की सजा दी जाए। आखिर इन्होंने ऐसा क्या अमानवीय जघन्य अपराध किया था जिसके लिए सदियों में किसी को दी जाने वाली मौत की सजा इनके नाम हो गई थी। सुषमा सुनो ना, आज कोशिश करना, जल्दी आ जाओ। मेधा की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी आई की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मेधा को लेकर आई के पास जाऊंगी, तो देवकी के पास आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? वो बाबा, हम लोग कुछ दिनों के लिए नासिक रहने आए हैं आई के साथ। आई का बहुत मन है मेधा को मिलने का, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए आई ने हमें इधर भेजा है ताकि हम मेधा को लेके जाएं। हाँ बाबा,
मेरा भी बहुत मन करता है अपनी छोटी बहन को मिलने का, उसके साथ खेलने का, वक्त बिताने का। बाबा सच में बहुत याद आती है उसकी। देखो मेधा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा। बाबा हम उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, उसका हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम उसको टाइम पे खाना दवाई सब दे देंगे। बाबा भेज दो ना, पता नहीं हम नासिक वापस कब आएंगे और उससे मिल भी पाएंगे या नहीं। हाँ बाबा, हम आपके घर के पास वाली धर्मशाला में रुके हुए हैं, चाहिए तो आप मेधा को देख के जाओ, भेज दो ना उसे। देखो मैं, सुनिए ना, जाने दीजिए ना, सौतेली है तो क्या हुआ, है तो बहन ही, मिलने का तो मन करता ही होगा। तुम लोग रुको, मैं मेधा की दवाइयाँ लेकर आती हूँ, बस टाइम पे दवाइयाँ दे देना। हाँ मेधा, उठो देखो कौन आया है। चलो चलो चलो, ये दीदी है, खेल ला उनके साथ। मैं तुझी ताई, सपना ताई, ये लो दवाई। चलो आई इंतजार कर रही है। हा? बाबा आप इसको लेने आना। हा? हाँ मेधा को लेने आना। हा? क्या जरूरत थी भेजने की, तुम मना भी तो कर सकती थी। अब जाने भी दीजिए। कल पूना से एक औरत आई थी, उसके साथ दो लड़कियां भी थी। कौन से रूम में है वो? वो लोग तो कल रात को ही चले गए, बहुत जल्दी में थे वो। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी? हाँ, दो लड़के थे और एक लड़की भी थी। आपकी पहली बीवी और बेटी ने आपकी बेटी को किडनैप किया, मतलब आपकी पहली बीवी ने अपनी दूसरी बेटी और आपकी बेटी ने अपनी बहन को किडनैप किया? हाँ साहब, ये अगवा करने वालों में मेरी पहली बीवी, उसकी बेटी रंजना और मेरी सगी बेटी सपना, ये तीनों लोग थे। अगर वो आपकी सगी बेटी थी तो फिर वो अपनी बहन को क्यों किडनैप करेगी? पता नहीं सर, शायद बदला लेने के लिए। कैसा बदला? आप थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि हम इस केस को समझ सकें। सर मैं मिलिट्री में था सर, पुणे कैंप में, मेरी मुलाकात रुक्मणी से हुई, हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर हमने शादी कर ली। लेकिन सर उसकी एक शादी पहले ही हो चुकी थी, उसका पति ट्रक ड्राइवर था, उसकी एक बेटी थी रंजना, फिर हमारी एक बेटी हुई सपना। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। कैसी हरकतें? जेब काटने की। मैंने उनको समझाया सर, पर उन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी, बल्कि मेरी बेटी सपना को भी उन्होंने अपने रंग में रंग लिया, उसे भी जेब काटने की ट्रेनिंग देने लगे। रुक्मणी बहुत ढीठ औरत है साहब, तंग आकर मुझे उसको छोड़ना पड़ा, फिर मुझे सुषमा मिली और मैंने इससे शादी कर ली, हम लोग नासिक शिफ्ट हो गए साहब। जब आपको उनसे इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर आपने अपनी बेटी को उनके साथ भेजा क्यों? बुरा वक्त था साहब, क्या बोलूं? आपके पास अपनी पहली बीवी और बेटी का कोई फोटोग्राफ है? नहीं साहब। कुछ आइडिया है वो कहाँ रहते हैं, कोई टेम्पररी या परमानेंट एड्रेस? पूना में कहीं रहते हैं बस, इतना ही पता है। लाखों की आबादी में तीन महिलाओं को ढूंढना और वो भी सिर्फ उनके नाम की जानकारी के आधार पर, ये बहुत मुश्किल जान पड़ता है। रुक्मणी, रंजना और सपना को ढूंढने के लिए नासिक पुलिस ने पुणे पुलिस से संपर्क किया। पुणे पुलिस की हर संभव कोशिश के बाद इन तीनों का कुछ पता नहीं चला। मेधा को गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे। किरण और सुषमा की आंखें आस लगाए नहीं थक रही थी कि ना जाने कहां से उनकी बेटी अचानक उन्हें पुकारती हुई चली आए या उसके बारे में कोई खबर मिल जाए। आई की जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा घर उजाड़ दिया, जैसे हम अपने बाप के लिए तरसते ना, अब तू अपनी बेटी के लिए तरस। नहीं मिलेगी कभी तुझे वो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस दे। एक
क्या हुआ? किरण, मैंने उन्हें मार्केट में देखा। कौन, किन्हें देखा, कहाँ? सपना और रंजना को। किरण, किरण यहीं पे थे, कहाँ चले गए? ठीक से याद है तुझे? किरण मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं देखो था। किरण ने तुरंत इस घटना की सूचना नासिक पुलिस को दी और नासिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस सपना, रंजना और रुक्मणी का पता लगाने में नाकामयाब रही। इन तीनों के नासिक में होने ने किरण और सुषमा की तो नींद उड़ा दी थी। डर 24 घंटे उनके साथ था कि अब उनके साथ क्या अनहोनी होने वाली थी। सुषमा, देवकी को स्कूल के गेट पर ही छोड़कर मत आ जाना। तब तक वहीं रुकना जब तक वो स्कूल में अंदर नहीं चली जाती। जब तक ये अंदर नहीं चली जाती मैं वहीं पे रुकती हूँ, और लेने भी स्कूल छूटने के एक घंटे पहले पहुंच जाती हूँ। जब तक ये घर वापस नहीं आती अजीब सी घबराहट होती है। रोज प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची सही सलामत हो, कहीं मेधा की तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा, फालतू की बातें मत सोचा कर। स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई है मेरी, कह रहे हैं वो ध्यान रखेंगे इसका, और कुछ भी होगा तो सबसे पहले हमें खबर करेंगे। सब ठीक करेगा भगवान। लक्षात ठेवा तिचा घर, काही काळजी करू नका, मी आहे ना। उसकी बहन की तबीयत बहुत खराब है, हम उसको लेने आए। जा जा जा, बुला दो। ऐसे नहीं बुला सकती, बच्चे को लेके जाने के लिए माँ बाप की परमिशन लगती है। अरे अभी तो बताया ना कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसके आई बाबा उसके साथ है, इसके लिए हमको भेजा उसको लाने को। तभी भी उसे नहीं ले जा सकते, उसके माँ बाप बोलेंगे या आएंगे तभी लेके जाएंगे। अरे लेकिन अच्छा अच्छा, ये लो, ये आप तो उसे भेजो ना। ज्यादा शांतपति करती है क्या? प्रिंसिपल को बता दूं? हाँ जा, जो करना है कर ले, देख लेंगे तुझको हम। क्या समझती तू अपने आप को? चल देख लेंगे तुझे, देख लेंगे। किरण, किरण, क्या हुआ? देवकी के स्कूल से फोन आया था, प्रिंसिपल ने कहा कि दो लड़की आई थी देवकी को साथ ले जाने के लिए। तो फौरन स्कूल जाओ और देवकी को लेकर आओ, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। चलो रंजना और सपना की देवकी को अगवा करने की कोशिश एक स्कूल कर्मचारी की सूझबूझ की वजह से नाकाम हो गई थी, और वहीं दूसरी तरफ पुणे पुलिस पिछले 2 महीनों से रुक्मणी, रंजना और सपना के कारनामों को पिछले 10 सालों की चार्जशीट में तलाश कर रही थी, और आखिरकार उन्हें सफलता मिली। इन तीनों के नाम उन्हें पुलिस रिकॉर्ड्स में मिले जिसमें इन पर चोरी और लूट के कई मामले दर्ज थे, और जिसके लिए ये 8 महीने की सजा भी काट चुकी थी। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और पुलिस की भी यही स्थिति थी। उनके पास इन तीनों का अभी का पता नहीं था, लेकिन इन तीनों के फोटोज और कुछ पुराने एड्रेसेस थे जिसको आधार बनाकर
उन्होंने अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया और आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई और उन्हें इन तीनों का नया पता मिल गया। पुणे पुलिस ने तुरंत वहां छापा मारने की तैयारी की इस उम्मीद में कि शायद अब मेधा केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उन्हें आभास भी नहीं था कि सच कहीं ज्यादा भयानक और कुरूप होगा। खाए भाई जी सर का माजुल अरे चला अरे अरे क्या हो रहा है? सपना और रंजना कौन है? मेधा मात्रे कहां है? कहां है मेधा मात्रे? हम किसी मेधा मात्रे को नहीं जानते। मेरे बेटे को हाथ दबाइए तो हाथ तोड़ डालूंगी तेरे। मेरा कहाँ कहाँ रखा है उसको? माझे नातू कुठे आहेत? नातू माझ्या जवळ पाहिजे। नातू कुठे आहेत माझे? वो जहां भी है ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं है इसलिए सुरक्षित। नहीं मुझे यहाँ चाहिए, मेरे नातू मुझे यहाँ चाहिए। क्यों? ये बताने के लिए कि तुम लोग क्या क्या काम करते हो, क्या क्या किया तुमने अब तक? क्या किया हमने? हाँ हमने कुछ नहीं किया। अच्छा हम जानते हैं कि तुमने किरण माथरे की बेटी मेधा को किडनैप किया, इसलिए बिना मार खाए बता दो वरना हमें क्या पता कहां गई, मर मरा गई होगी। हम जानते हैं कि किरण तुम्हारा दूसरा पति था। चलो बोल दो कहां रखा है मेधा को। जब से उसने छोड़ा ना मुझे तब से मैंने उसे देखा नहीं, तो उसकी लड़की को मैं क्या यहां आचार डालने को बुलाऊं? 29 अगस्त को तुम दोनों नासिक में किरण के घर गई थी ना? 29 अगस्त क्या साहब, मैं तो कभी उनके घर पे नहीं गई। तू पति है ना इसका? हाँ। तू भी गया था नासिक? नहीं साहब मैं तो आज तक कभी नासिक नहीं गया। सर गीता इन चारों को अलग अलग बिठाओ, दिखना आपस में बात ना करना। सर ए डरने का नहीं बिंदास रहने का, मैं हूं ना। हाँ ए चुप ए सलू तू चल इकड़े चल। सर रेड के दौरान इनके घर की दीवार पर खून के धब्बे मिले थे और सर मैंने वहां का सैंपल भी ले लिया। सर सैंपल को मैंने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया और सर जल्दी पता चल जाएगा कि वो खून है या फिर कुछ और सर अगर वो खून हुआ तो मेघा के ब्लड ग्रुप से हम ये पता कर लेंगे कि वो खून मेधा का है या फिर किसी और का। कमरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने मेधा को मार दिया? सर बच्ची को गायब हुए 2-3 महीने बीत चुके हैं, हमने सभी जगह तलाशी की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा और सर ऊपर से ये लोग भी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। सर ये सब देखकर तो ये लगता है कि मेधा का मर्डर हो गया। कमरे अंदाजे लगाने से कोई फायदा नहीं है, रिपोर्ट आ जाने दो। मुझे लगता है एक बार फिर से हमें उनके घर की अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए। सर ये रहे मनीषा। सारा घर अच्छे से चेक करो। यस सर। सर सर ये फोटोग्राफ्स मिले रुक्मिणी के बेटे के बर्थडे के फोटोज हैं। कमले ये फोटो लेकर जरा आस पड़ोस में पता करो, इसमें जो बच्चे हैं ये आस पड़ोस के ही बच्चे हैं या बाहर के? हो सकता है कि इन बच्चों में से किसी ने मेधा को देखा हो। ठीक है सर। सर ये कुछ बच्चों के कपड़े मिले। ये रुक्मिणी के तो दो पोते हैं ना? सर ये लड़कियों के कपड़े हैं, क्या कर रहे हैं? और अलग अलग साइज के कपड़े हैं, मतलब अलग अलग उम्र की लड़कियां। अच्छा इस फोटो में जो बच्चे हैं इन्हें पहचानती है? हाँ इनमें से ज्यादातर बच्चे यही के, लेकिन साहब इस बच्चे को मैं नहीं जानती, पहले कभी इसे इस एरिया में नहीं देखा। इसे पहचानती है? इसे कभी देखा इस एरिया में?
साहब यहाँ तो बच्चा आते रहते हैं, कोई दो तीन महीना रहता है तो कोई 10-12 दिन में चला जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। मैंने तो उनको एक दो बार पूछा भी था। अरे अब ये कौन है, कभी देखा नहीं इसको। ये मेरी बहन की लड़की है, पूना घूमने आई है। साहब पिछले 3 सालों में कम से कम 10 से ज्यादा बच्चे हमने देखे यहाँ पे। उनका वो दामाद है ना सूरज, उसके साथ में अलग अलग बच्चे दिखते हैं। अरे वाह 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 वाह। अच्छा ये लोग काम क्या करते हैं? काम क्या साहब, पाकेटमारी करते हैं। 1000 बार तो पुलिस पकड़ के लेके गई लेकिन कोई फायदा नहीं, सुधरते ही नहीं है, वापस आके फिर वही काम शुरू। इनका जो दामाद है सूरज, क्या वो भी यहाँ रहता है? घर जमा है ना साहब, कहाँ जाएगा, वो भी इधर, उसकी गाड़ी भी यहाँ। वो देखो साहब उसकी गाड़ी। कमरे यहाँ तो ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे ये साबित हो सके कि मेधा यहीं थी, लेकिन कुछ बच्चियों के कपड़े मिले हैं और रुक्मिणी के दोनों पोते हैं, इस तरह से लड़कियों के कपड़े, वो भी अलग अलग साइज के हैं। सर पड़ोसी का भी कहना है कि उन्होंने इनके घर पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा है। और सर ये सूरज की कार है सर, अगर वाकई इनके घर में कुछ चल रहा था तो हो सकता है कि उसके सबूत इस कार में ही मिले। सर हमें इस कार की फॉरेंसिक टेस्ट कराना चाहिए। बोलो, और जब तक फॉरेंसिक टीम अपना काम करती है हम जरा इन चारों से पूछते हैं कि बच्चे कौन है। कौन से बच्चे? वही जो तुम्हारे घर मेहमान बनकर आते थे और अचानक गायब हो जाते थे, किसके बच्चे थे वो? वो तो हमारे रिश्तेदारों के बच्चे थे साहब। कौन से रिश्तेदार? नाम एड्रेस दो जरा, हम भी तो पता करें। उसमें पता क्या करने का, रिश्तेदारों के बच्चे नहीं होते क्या? और कौन बोला 10-12 बच्चे देखे? 10-12 नहीं साहब, एक उन 2-3 ही बच्चे आए होंगे। 6-7 बच्चे होंगे सब, वो गांव से कोई इधर घूमने को आते थे ना तो उन्हीं के बच्चों को देखा होगा। किसके गांव से? तेरे या तेरी बीवी के? गांव के बच्चे नहीं थे साहब, वो तो मेरी सहेलियों के बच्चे थे। वो जब घूमने घूमने जाती थी ना तो अपने बच्चों को मेरे इधर छोड़ के जाती थी। और तुम घर पे बैठ के उनकी देखभाल करती थी? अरे साहब अभी कोई देखभाल करने को बोला तो मना नहीं कर सकते ना, वो भी अपनी बहन के बच्चे को। कितनी बहनें हैं तुम्हारी? आई की बहन का है साहब, वो तो मेरे बहनों के बच्चे थे। लेकिन तुम्हारी तो सिर्फ एक बड़ी बहन है जो तुम्हारे साथ रहती है, ये बाकी की बहनें और बच्चे ये सब कहाँ से आए? अरे सर मुझे क्या मालूम कहाँ से आते थे, पर इतना मालूम है कि आते थे और फिर कुछ दिन के बाद चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे? कहाँ मतलब, अपने घर जाएंगे। साहब क्या हुआ है, हमने ऐसा कोई भला बुरा काम नहीं किया है और बच्चों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेधा से तो है ना? कहाँ है मेधा, कहाँ रखा है उसको? बोलो मेधा कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? साहब मैं तो जानता भी नहीं है मेधा कौन है। ये सारे लाइन से झूठ बोल रहा है। अब इनसे सच उगलवाने के लिए हमें ब्लड स्टेन्स और कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट करना होगा। कमरे इन दो बच्चों को पड़ोसियों ने नहीं पहचाना, इसका मतलब कि ये दोनों बाहर के हैं। लेकिन ये साबित कैसे हो? सर ये रुक्मिणी बहुत शोर मचा रही है, उसका कहना है उसके नाती को उसके पास छोड़ दे। गीता हम यहाँ उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए नहीं बैठे, उनसे जाके कह दो कि बच्चे एनजीओ में है और सही सलामत है, और दोबारा अगर पूछे तो 2-4 रख भी देना। कामड़े कल सुबह दोनों बच्चों को बुलाओ, देखते हैं उन्हें कितना पता है। ठीक है सर। केदार बेटा लो बिस्किट, लो क्रीम वाले बिस्किट है, बहुत अच्छे हैं, लो खाओ खाओ खाओ। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये फोटो तुम्हारी बर्थडे पार्टी की है ना? हाँ। बहुत सारे बच्चे आए तुम्हारी पार्टी में है ना, वाह। अच्छा बताओ ये सारे बच्चे तुम्हारे मोहल्ले के हैं? हाँ। अच्छा वैसे कुछ बच्चे तो तुम्हारे घर पे रहने के लिए भी आते थे ना? ये राजा है। अच्छा ये राजा है, तो ये किसके साथ आया था? आज ही और आई इसको लाई थी, पर ये ज्यादा दिन नहीं रहा था, ये चले गया था। अच्छा 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 और ये? अरे ये तो हमारा है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
तो बेटा ये अमर किसके साथ आया था, कौन लाया था इसको? इसको आई लाई थी, फिर ये मेरा दोस्त बना। कहाँ से लेके आई थी अमर को आजी? पता नहीं, लेकिन अंकल उसके पापा के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, प्लास्टिक की नहीं, सचमुच की। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अमर ने बताया। अच्छा तो ये अमर तो अब आपके साथ नहीं रहता ना, ये कहाँ गया? वो तो नहीं पता कहाँ गया। बेटा तुम्हारे घर में ऐसे हमेशा रहने के लिए आते थे ना बच्चे, तो तुम कितने छोटे थे जब से बच्चे आते हैं इस तरह? इतना नहीं, इतना। ओहो, तब तो आपके बहुत सारे दोस्त बने होंगे। तो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने बच्चे आके रहे हैं? कितने बच्चे थे बेटा? चार? 40? कमरे, ये सिंपल किडनैपिंग का केस नहीं है, ये लोग बच्चों को किडनैप करते थे, उनका इस्तेमाल करते थे शायद लोगों की जेब काटने के लिए। बट सर इतने छोटे बच्चे किसी की जेब काटने में क्या मदद कर सकते हैं? वही तो पता करना है। कमरे काम करो, पुणे शहर में जितने भी बच्चे मिसिंग हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन निकालो, स्पेशली राजा और अमर की। ओके सर। सर पिछले 3 सालों में पूना से लगभग 79 बच्चे गायब हुए। सर इनमें से 2 बच्चों के नाम अमर है, लेकिन ये दोनों ही हमारे बर्थडे पार्टी वाले अमर से मैच नहीं करते। और सर रही बात राजा की, तो राजा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सर हो सकता है कि इन दोनों बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट की ना गई हो, या ये भी हो सकता है कि वाकई इनके रिश्तेदार के बच्चे। कमले ये भी हो सकता है कि राजा और अमर इनके असली नाम ना हो, इनके दिए हुए हों, क्योंकि किडनैप किए हुए बच्चों के असली नाम तो इन्हें भी शायद नहीं पता होंगे, और मेधा को इन्होंने नासिक से उठाया था, तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों बच्चे पुणे के हो ही ना, इन्हें भी बाहर से उठाया हो। लेकिन सर मेधा को इन्होंने किरण और सुषमा से बदला लेने के लिए उठाया था, सर बाकी के बच्चों को उठाने का क्या मोटिव हो सकता है? कमले ये तो समझना होगा। एक काम करो, पिछले 3 साल में हर शहर में जितने भी बच्चे मिसिंग हैं उनकी एक लिस्ट निकालो और चेक करो। मुझे लगता है कि शायद इन बच्चों के साथ और शायद मेधा के साथ भी कुछ गलत हुआ है। ठीक है सर। 3 महीने हो गए किरण, मेरी बच्ची कहीं नहीं मिल रही है, पता नहीं किस हाल में होगी। किरण प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढो, छोटी बच्ची है वो। किरण मेरी बच्ची को ढूंढना। सुषमा, सुषमा। सर रुक्मणी के घर की दीवार पर जो खून के धब्बे मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई है सर, ये भी नेगेटिव है। मैंने मेधा के फादर से कंफर्म किया, मेधा का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, और सर रुक्मणी की फैमिली में भी किसी का ब्लड ग्रुप ए भी नेगेटिव नहीं है। मतलब वो खून किसी और का है, इनके घर पे जो बच्चे आए हैं शायद उनमें से किसी का। हो सकता है सर, क्योंकि सूरज की कार में भी जो खून के धब्बे मिले हैं उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और किसी से मैच नहीं होता। मतलब ये मामला सिर्फ किडनैपिंग का नहीं है, उससे आगे भी कुछ है। मारा ना तो आजी को बोल मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। नहीं आजी, उनने नहीं मारा। हा? वो लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा बच्चा। अब सूरज की बारी। बैठना, बैठ बैठ। क्रीम वाले बिस्किट हैं, मैं भी यही खाता हूँ, लेना गमले। पुलिस को ना लोग गलत समझते हैं, अब तेरी सास बीवी साली इनको हमने बच्चों से मिलवा दिया। बच्चा है साहब, मेरे को काय को नहीं मिलवाया? तेरे लिए उससे भी अच्छा एक प्लान है मेरे पास। देख हम जानते हैं कि तुम लोग ये बच्चों को किडनैप करते थे, फिर उनको अपने चोरी चकारी के कामों में इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लेकिन ये सारे काम तू नहीं करता था, वो 3 औरतें करती थी, और तू उनके चक्कर में फंस गया। अब किसी के भी चक्कर में फंसा हो सजा तो काटनी पड़ेगी। कितनी सजा होती है कमरे? सर कम से कम 10 साल के लिए जाएगा, या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे को उम्र कैद काय को होगी? अरे उम्र कैद तो बहुत कम बोल रहा है ये,
फांसी भी हो सकती है। तेरी गाड़ी में और घर में खून के धब्बे मिले हैं। नहीं नहीं साहब, वो सब मैंने नहीं किया है, मैंने तो बस उनको बोल ना। देख तू सिर्फ ये बता तूने क्या किया है और उन तीन औरतों ने क्या किया है। अगर तू सब बताने के लिए तैयार हो जाएगा तो हम तुझे सरकारी गवाह बना देंगे। सरकारी गवाह बनने का मतलब समझता है ना? तू सरकारी गवाह बनके हमें सब कुछ बताएगा तो हम उनको सजा दिलवाएंगे, उसके बाद तू अपने बच्चों के साथ आजाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, जैसे अपने बच्चों के साथ रहना चाहता रहे, ठीक है? वरना फिर ये उम्र कह तो तय है। सब खून हुए होंगे तब भी। खून हुए कितने? पहले मेरे को सरकारी गवाह बनाओ साहब, फिर बताऊंगा। पुलिस को संदेह था कि पूरे दशक में इन्होंने एक नहीं बल्कि कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया है, लेकिन रुक्मणी, रंजना और सपना अपने निर्दोष होने पर डटे हुए थे। आखिर पुलिस सच तक कैसे पहुंचेगी? क्या वो पूरा सच ढूंढ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1:15 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।